नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों को। खबर है झारखंड के खुट्टी से। खुट्टी जिला कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त होने की ओर बढ़ता जा रहा है। जिले के 6 में से 5 प्रखंड अब कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त हो गए हैं। 5 प्रखंड में कोरोना वायरस का एक भी सक्रिय मामला नहीं है। जिला मुख्यालय खुट्टी में शनिवार को सिर्फ 2 सक्रिय मामले रह गए। शनिवार को हुए 487 सैंपल की जांच में एक भी सक्रिय मामला नहीं मिला। वहीं शनिवार को कुल 214 लोगों ने कोरोना वैक्सीन को पहला टीका भी लगवाया। पहली डोज लेने वालों में से 208 फ्रंटलाइन वर्कर और 6 स्वास्थ्य कर्मी शामिल है। खबर है झारखंड के साहिबगंज से। 470 किसानों को 90% अनुदान पर मिलेगा पंप सेट। उपायुक्त राम निवास यादव ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में शनिवार को कृषि विभाग की क्रियान्वित योजना की समीक्षा की। इसमें उपायुक्त ने मनरेगा सिंचाई कूप धारक योजना एवं पानी पंचायत योजना के तहत पंप सेट वितरण करने के लिए प्राप्त आवेदनों की भी समीक्षा की। बैठक में उपायुक्त ने बताया कि किसान 90% अनुदान पर पंप सेट लेकर अपनी भूमि की सिंचाई कर अपनी आय दोगुना कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि पंप सेट लेने के लिए किसान प्रखंड कृषि पदाधिकारी से मिलकर विभाग द्वारा निकाले गए फॉर्मेट में कूप का फोटो, मुखिया, पंचायत सेवक, रोजगार सेवक व प्रखंड कृषि पदाधिकारी का भी प्रमाणित कर प्रखंड कृषि पदाधिकारी के पास जमा करें। इस योजना में आवेदकों को पहले पूर्ण राशि जमा करनी होगी, फिर उसकी 90% राशि उन्हें लौटा दी जाएगी। इस योजना के मापदंडों के अनुसार चयनित किसानों को बाजार से 30,000 रुपये तक के किसी ब्रांडेड कंपनी का पंप सेट खरीदकर विपत्र को फोटो के साथ विभाग में जमा करना है। विभाग से सत्यापन के बाद किसानों को अनुदान की राशि उनके बैंक खातों में भेज दी जाएगी। झारखंड में 526 जई और 869 क्लर्कों की बहाली होगी, सरकार ने दी मंजूरी। झारखंड में ग्रामीण विकास विभाग यानी पंचायती राज में 526 जूनियर इंजीनियर और 869 क्लर्क या कंप्यूटर ऑपरेटर की एक साथ बहाली निकल रही है। सरकार की अधिसूचना के साथ ही पंचायत स्तर पर अनुबंध पर अपनी सेवाएं मुहैया कराने वाली कर्मियों की बहाली का रास्ता साफ हो गया। इस संदर्भ में शुक्रवार को अधिसूचना प्रकाशित की गई। ग्रामीण विकास विभाग के स्तर से 15 वित्तीय आयोग की राशि त्रिस्तरीय पंचायतों को विमुक्त कर दी गई है। इसके साथ ही पंचायत स्तर पर अनुबंध पर अपनी सेवाएं मुहैया कराने वाली कर्मियों की बहाली का रास्ता भी साफ हो गया। झारखंड में नर्सरी से 7वीं तक प्राइवेट स्कूल अप्रैल से खुलेंगे, सरकार लेने जा रही है बड़ा फैसला। झारखंड राज्य के निजी स्कूल नए शैक्षणिक सत्र अर्थात अप्रैल माह से प्राइमरी कक्षाओं के लिए भी स्कूल खोलने के पक्ष में है। राजधानी रांची स्थित कई बड़े स्कूलों के प्राचार्यों ने शिक्षा सचिव से मिलकर इसकी मांग की। निजी स्कूल कोरोना से सुरक्षा को लेकर सभी आवश्यक गाइडलाइन का पालन करते हुए स्कूल खोलना चाह रहे हैं। झारखंड में बीएड के आवेदकों को झटका लगा, बीएड की दूसरी काउंसलिंग के सीट अलॉटमेंट रद्द कर दिए गए। झारखंड के सरकारी तथा गैर सरकारी बीएड संस्थानों में संचालित बीएड पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दूसरी काउंसलिंग के माध्यम से हुई सीटों के आवंटन में त्रुटि सामने आई। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद ने सीट आवंटन में त्रुटि पाए जाने के बाद शुक्रवार को उसे रद्द कर दिया। साथ ही पार्षद ने अब संशोधित सीट आवंटन सूची जारी की है। साथ ही सभी अभ्यर्थियों से इस संबंध में सीट आवंटन के आधार पर ही नामांकन लेने के निर्देश जारी किए। वैसे अभ्यर्थी जो दूसरे काउंसलिंग के माध्यम से पूर्व में आवंटित सीटों पर नामांकन ले चुके हैं उनका नाम भी रद्द समझा जाएगा। उन्हें संशोधित सीट आवंटन के अनुसार आवंटित संस्थान में नामांकन लेना होगा। अभ्यर्थियों को 25 फरवरी तक संबंधित संस्थाओं में नामांकन लेने के निर्देश दिए गए हैं। झारखंड में किसानों का 50,000 तक कृषि ऋण हो रहा है माफ। अगर आप भी कृषि ऋण लिए हुए हैं तो जान लीजिए इनकी पूरी प्रक्रिया क्या है। कृषि ऋण माफ करने की पूरी प्रक्रिया अगर आपको नहीं मालूम है तो आपका 50,000 रुपया माफ नहीं होगा। इसीलिए आइए मेरे साथ और जानिए पूरी प्रक्रिया। झारखंड में किसानों का 50,000 रुपये तक का कृषि ऋण सरकार द्वारा माफ किया जा रहा है। हालांकि किसानों को इसके लिए पूरी प्रक्रिया जानकारी नहीं है। इसके लिए रांची से सेटो बेड़ो प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित सभागार में शनिवार को झारखंड किसान ऋण माफी योजना के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि यह झारखंड सरकार का महत्वपूर्ण कदम है। प्रत्येक किसान जिनका 50,000 तक कृषि ऋण है उसे माफ किया जाएगा। इसके लिए किसान को नजदीकी के प्रज्ञा केंद्र में जाना होगा। प्रज्ञा केंद्र में किसान अपने साथ कार्यरत मोबाइल, राशन कार्ड एवं आधार कार्ड लेकर जाएंगे। वहां जाने के बाद किसान अपना खाता चेक करेंगे। अगर उनका खाता दुरुस्त हो गया यानी सब कुछ ठीक ठाक पाया गया
और बैंक मैनेजर खाता से संतुष्ट हो जाएंगे तो किसान अपना आधार से ई केवाईसी करवा लेंगे और 1 रुपये का टोकन मनी जमा करके अपनी सहमति देंगे। यह प्रक्रिया निहायत ही सरल है एवं आसान भी है। सभी किसान पत्र प्रज्ञा केंद्र में राशन कार्ड के साथ ही जाएंगे। राशन अति आवश्यक बनाया गया है। एक राशन कार्ड से एक ही बार लोन माफ किया जा सकता है। झारखंड के धनबाद से मुगलसराय तक सर पर दौड़ेगी ट्रेन। 12 घंटे में हावड़ा से नई दिल्ली का सफर होगा आसान। जाने रेलवे की योजना क्या है। हावड़ा नई दिल्ली के बीच ट्रेनों की गति सीमा बढ़ाने की दिशा में कार्य तेजी से चल रहा है। इस कड़ी में रेल पथ पर कई बदलाव किए जा रहे हैं। रेल पथ को दुरुस्त करने के साथ साथ ट्रेनों की गति सीमा बढ़ाने के लिए इसे सुरक्षित करने की भी तैयारी की जा रही है। इसके लिए धनबाद से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तक रेल ट्रक की घेराबंदी की जाएगी। कहीं कहीं पर दीवार तो कहीं पर पिलर व तार की मजबूती घेराबंदी की जाएगी। रेलवे की योजना है कि वर्ष 2023 तक हावड़ा से नई दिल्ली का सफर 12 घंटे में पूरा करने की है। अभी तत्काल वर्तमान में करीब 18 घंटे लगते हैं। खबर है झारखंड के हजारीबाग से। नए कृषि कानून के विरोध में निकाली गई ट्रैक्टर रैली, आरपीएनसी भी हुए शामिल। केंद्र सरकार के कृषि बिल के खिलाफ 20 फरवरी शनिवार को कांग्रेस द्वारा हजारीबाग में ट्रैक्टर किसान रैली आंदोलन की गई। रैली में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह, प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख समेत कई कांग्रेसी मौजूद रहे। इससे पूर्व शुक्रवार को बड़कागांव प्रखंड कांग्रेस कार्यालय में विधायक अंबा प्रसाद ने बैठक की। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष विशेश्वर नाथ चौबे ने की। बैठक में विधायक अंबा प्रसाद ने तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता एवं किसान को आंदोलन को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श भी किया। मौसम विज्ञान के आधार पर झारखंड में 2 घंटे में 3 मिलीमीटर हुई बारिश। 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर गया न्यूनतम तापमान। आज से खिल सकती है तेज धूप। रांची में शनिवार सुबह से धूप और बादल की आंख मिचौनी जारी रहा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक शनिवार को रांची में आंशिक बादल छाए रहे। रविवार से यानी कि आज से मौसम पूरी तरह साफ हो जाएगा। शनिवार को राज्य के किसी भी हिस्से में बारिश नहीं हुई। वहीं शुक्रवार शाम को रांची में 2 घंटे में 3 मिलीमीटर बारिश हुई। शाम 4 से 6 बजे के बीच हुई बारिश के बाद रांची के न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई। रांची का अधिकतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं पर न्यूनतम तापमान 16.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जबकि गुरुवार को अधिकतम तापमान 27.0 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अगले 2 दिनों में रांची के न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस इजाफा की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्र के ऊपर एक एक दबाव का चक्रवाती क्षेत्र बन रहा है। इसका असर बाकी राज्यों पर देखने को मिल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 21 फरवरी से आसमान साफ हो सकता है। ऐसी स्थिति 25 फरवरी तक रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 29 से 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15 से 16 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। झारखंड के विधानसभा से पारित आदिवासी धर्म कोड प्रस्ताव पर केंद्र करे विचार। हेमंत सोरेन ने कहा, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिलिंग 2021 की वर्चुअल बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरना आदिवासी धर्म कोड के लिए भेजे गए प्रस्ताव पर विचार करने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज एक ऐसा समाज है जिसकी सभ्यता, संस्कृति, व्यवस्था बिल्कुल अलग है। जनगणना में आदिवासी समाज पिछले कई वर्षों से अपनी जगह स्थापित करने की मांग करते आ रहा है। बीते वर्ष हमारी सरकार ने विधानसभा से पारित कर सरना आदिवासी धर्म कोड की मांग से संबंधित प्रस्ताव केंद्र को भेजा है। उम्मीद है कि केंद्र सरकार इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी। खबर है झारखंड के रांची से। बिना अनुमति सार्वजनिक व निजी दीवारों पर विज्ञापन लगाना है गैरकानूनी। आरएमसी भेजेगा नोटिस। राजधानी स्थित किसी भी निजी और सार्वजनिक दीवारों पर विज्ञापन लगाने वालों की खैर नहीं है। दरअसल रांची नगर निगम ऐसे लोगों को चिन्हित कर अब कार्रवाई करने जा रहा है। नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने एक संदेश जारी कर कहा कि किसी भी दीवार चाहे वह सार्वजनिक हो या प्राइवेट के ऊपर किसी तरह का रंग रोगन विज्ञापन के लिए रांची नगर निगम की अनुमति आवश्यक है। झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 के तहत यह जरूरी है। कोई भी व्यक्ति ऐसे दीवारों पर विज्ञापन तभी लगा सकता जब उसने निगम के समक्ष अधिकारी से इस काम की अनुमति ले ली हो। आप सबको बता देना चाहता हूं कि सरकारी व निजी दीवारों पर विशेषकर कॉलेजों व स्किल डेवलपमेंट सेंटरों में साफ सफाई, कोचिंग संस्थानों, दवाई दुकानों सहित कई अन्य प्रतिष्ठानों का विज्ञापन छपा रहता है जो कि झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 की धारा 171 के तहत अध्याय 19 के तहत गैरकानूनी है। खबर है झारखंड के गुमला से।
गुमला पुलिस की कार्रवाई में लोडेड हथियार के साथ टीपीसी का एक उग्रवादी गिरफ्तार। 25 दिसंबर को मुठभेड़ के दौरान भाग निकला था। जिले की पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बिशनपुर के इलाके में तृतीय प्रस्तुति कमेटी 2 उग्रवादी संगठन को विस्तार में लगे पंकज धनवार उर्फ पंकज उराव उर्फ अनुज नामक उग्रवादी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से लोडेड एक देसी कट्टा व गोली बरामद किया था। पंकज 25 दिसंबर को हेमलता गांव में पुलिस के साथ हुए मुठभेड़ के दौरान भाग निकला था, जबकि इस मुठभेड़ के दौरान पंकज के 5 साथी हथियार गोली व वर्दी के साथ पकड़े गए थे। एसडीपीओ मनीष चंद्रलाल ने शनिवार को यह जानकारी दी। खबर है झारखंड के पाकुड़ से। महारुद्र यज्ञ के मंत्रों से माहौल हुआ भक्तिमय। स्थानीय रुद्रनगर में आयोजित 7 दिवसीय श्री श्री 108 श्री महारुद्र यज्ञ व अखंड हरिनाम संकीर्तन व प्रवचन में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। दूसरे दिन शनिवार को रुद्री पाठ, गौरी गणेश, शिव पार्वती, विष्णु सहित विभिन्न देवी देवताओं का आह्वान कर पूजा अर्चना की गई। इसके बाद हवन का कार्यक्रम शुरू हुआ। इस महायज्ञ को लेकर यहाँ के श्रद्धालुओं में काफी आस्था है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। आचार्य संतोष तिवारी ने बताया कि यज्ञ पाकुड़ जिले में सुख शांति तथा अकाल से प्रकोप से बचाने की कामना से आयोजित किया जा रहा है। महायज्ञ के अंतिम दिन 25 फरवरी तक रुद्री पाठ के साथ विद्वान पुरोहित हवन करेंगे। महारुद्र यज्ञ व अखंड हरिनाम संकीर्तन तथा प्रवचन के वैदिक मंत्रों से पूरे शहर का माहौल भक्तिमय बना हुआ है। खबर है झारखंड के दुमका से। पुरानी पेंशन के लिए सड़क पर उतरे सरकारी सेवक। पुरानी पेंशन बहाली के लिए शनिवार को पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के सदस्यों ने सभी 10 प्रखंड कार्यालय परिसर में धरना दिया और रैली निकालकर प्रदर्शन किया। इसके बाद सभी सदस्यों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम का मांग पत्र सौंपा। सदर प्रखंड प्रांतीय संयोजक काशीनाथ महतो ने कहा कि 1 दिसंबर 2004 के बाद सरकारी सेवा में योगदान करने वाले कर्मियों के लिए सुनिश्चित पेंशन योजना को समाप्त कर शेयर बाजार आधारित एक नए पेंशन योजना लागू की। नई में न्यूनतम पेंशन की कोई गारंटी नहीं होने सहित कई गंभीर खामियां हैं। कर्मचारी व अधिकारी सेवानिवृत्त के उपरांत भविष्य को लेकर चिंतित है। सरकार को सरकारी कर्मियों के वेतन का 10% की राशि एनपीसी के खाते में जमा करना पड़ता है, जिस पर राज्य सरकार कोई नियंत्रण नहीं होता। पुरानी पेंशन योजना लागू कर राज्य के लगभग 1,20,000 कर्मियों के वेतन की 10% राशि, जो कि वर्ष में लगभग राशि 800 करोड़ हो जाती है, उसे बचाया जा सकता है। बाद में सभी ने वीडियो को राजेश सिन्हा को मांग पत्र सौंपा। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।